हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय ओएमआर को भरना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि हम लोग ओएमआर को कैसे फिल करें। सबसे पहले बच्चों, आपको ओएमआर फिल करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो ब्लैक और ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, ठीक ना। जेल पेन नहीं, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी ले सकते हो, ठीक ना। उसके बाद देखो, जब ओएमआर में भरनी होती है बच्चों, तीन तीन दो दो जगह से इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, एक एडमिट कार्ड और क्वेश्चन पेपर, ठीक ना। तो क्वेश्चन पेपर तो आपको एग्जाम सेंटर पे मिलता है जब आप एग्जाम देने जाते हो, वैसे अभी आपके पास क्या है, एडमिट कार्ड है, ठीक ना। तो बच्चों, आपको क्या करना है, दुकान पे जाओ और ऐसा ओएमआर प्रिंट करा लो और अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करने सीखना है, ठीक ना। देखो बच्चों, जो ओएमआर में दो पार्ट होता है, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स को खुद भरना होता है और एक पार्ट होता है जो वहाँ पे इन्विटिगेटर होता है वो खुद भरता है, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, ओएमआर का जो लेफ्ट साइड होता है ना, यहाँ पे लिखा गया है सबसे टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, यानी इधर वाला पार्ट कौन भरेगा, कैंडिडेट। इधर दिखा है टू बी फिल्ड बाई द इन्विटिगेटर, कौन भरेगा, इन्विटिगेटर, ठीक ना। उसके बाद देखो, जो नीचे का भी पार्ट होता है ना बच्चों, इन्विटिगेटर इसको सेंटर कोड फिल करेगा और यहाँ पे स्टैंप लगाएगा, यहाँ पे इन्विटिगेटर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक ना बच्चों। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक ना बच्चों। अब देखो हमें इधर क्या भरना है, सबसे पहले जो कोना है ना, इसमें भरना है रोल नंबर, क्या भरना है, रोल नंबर। रोल नंबर बच्चों कहाँ मिलता है, एडमिट कार्ड पे, देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर है। रोल नंबर क्या है बच्चे का, 289, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो भरने में, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, देखो बच्चों क्या है हमारा रोल नंबर, रोल नंबर है 2896717। अब बच्चा सोचता है कि इसको हम लोग क्या करें, तो बच्चे देख रहे हो और ये बाहर ऊपर की तरफ तुम्हें ब्लॉक दिख रहा है, इसके अंदर ये अंक को लिख देना है, क्या लिखोगे, 2896717 हो गया। अब बच्चों ये इसको फिल करना है, जैसे यहाँ पे देखो 012, पहले वाली लाइन में क्या है, 2, इसमें देखो 0 है, 1 है, 2 है, तो कहाँ फिल करोगे बच्चों, तीसरे में फिल कर दोगे यहाँ पे, दूसरे में बच्चों क्या है, 8 है ना, 8 को कहाँ फिल करोगे, देखो यहाँ पे 8 है, फिल कर दोगे, 8 हो गया। तीसरा में देखो बच्चों क्या फिल करना है, 9 देखो बच्चा कहाँ है, सबसे लास्ट में, ये 9 फिल कर दोगे, यानी जिस रो में जहां पे जो अंक है ना वही फिल करोगे। जैसे ये 6 है, 6 कहाँ पे, 5 6 6 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 6 फिल कर दोगे। उसके बाद 7 इसमें है, तो देखो 7 कहाँ पे बच्चा, यहाँ पे 7 फिल कर दोगे। 1 कहाँ पे बच्चों, इसमें 1 दूसरे पे 1 फिल कर दोगे। लास्ट में फिर क्या आता है बच्चों, 7 7 कहाँ है, ये फिल कर दोगे। इस तरह हमारा बच्चा क्या हुआ, ये हमने रोल नंबर भर लिया। दूसरी बात आती है टेस्ट बुकलेट नंबर, और टेस्ट बुकलेट नंबर कहाँ से मिलती है, ये आपका क्वेश्चन पेपर में होता है। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर एक है, उसमें आपका टेस्ट बुकलेट नंबर बताते हैं कहाँ पे रहता है। देखो बच्चों, ये आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। हाँ देखो, यहाँ पे आपका क्या है, ये बाबू टेस्ट बुकलेट नंबर है, क्या है ये आपका टेस्ट बुकलेट नंबर है, जो यहाँ पे दिया है 3636073 75। 7 नंबर का ये भी होता है, तो यहाँ सबसे पहले ऊपर ब्लॉक में लिख दो जो टेस्ट बुकलेट नंबर होगा 3636073 75। अब इसको भरेंगे बच्चों, इसमें 3 देखो कहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 देखो कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो 360, 0 कहाँ पे बच्चों, फर्स्ट में है, इसमें बच्चों 6 कहाँ है, यहाँ है, इसमें बच्चों 3 कहाँ है, यहाँ है, 7 कहाँ है, यहाँ है, और 5 कहाँ है बच्चों, यहाँ है। इस प्रकार हमने क्या किया, टोटल ओएमआर को क्या कर लिया, फिल कर लिया, ठीक ना। अब बच्चों देखो, हमने टेस्ट बुकलेट नंबर फिल कर लिया, रोल नंबर फिल कर लिया। अब बच्चों देखो बात आती है, अब हमें अगला जो स्टेप होता है वो क्या फिल करना होता है, देखो नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, यानी इस कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। जैसे इस बच्चे का नाम क्या है, विवेक कुमार यादव, क्या है, विवेक कुमार यादव। तो सिंपल सा बच्चा ऐसे बीच में लिखेगा, कहीं लाइन में नहीं टच करेगा, विवेक कुमार यादव, ठीक ना।
सारा कैपिटल होना चाहिए, कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पिता का नाम एडमिट कार्ड के हिसाब से लिखोगे, जो भी लिखा होगा, धनंजय यादव, DHANANJA, धनंजय यादव। डन। अब देखो बच्चों क्या करना है, अब तुम्हारा आगे क्या करना है, ये हो गया। इधर तो कौन भरेगा, इन्वेस्टिगेटर भरेगा, तो इसको आपको टच नहीं करना है, इधर वाले पार्ट को। अब बच्चों देखो नीचे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स को, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है बच्चों को, अपनी साइन कर देनी है, ठीक ना। यहाँ पे सबसे नीचे इधर कोने में होगा सिग्नेचर आपका कैंडिडेट, तो जैसे आप यहाँ पे फोटो के नीचे जैसे आप साइन किया ना, बिल्कुल ऐसे ही साइन आप लोग यहाँ कर दोगे। इन्वेटर सिग्नेचर आप इन्वेस्टिगेटर वो कर देगा, ठीक ना, जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो यहाँ साइन कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे बुकलेट कोड, बुकलेट कोड जैसे यहाँ पे क्या था, वो पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ ए लिखा गया था ना, देख सकते हो यहाँ पे, दिखा देता हूँ बुकलेट कोड कहाँ लिखा रहता है। देखो बुकलेट कोड इसका क्या है, देखो यहाँ पे ये यहाँ दिखा गया ना ए, इसका बुकलेट का कोड क्या है बच्चा, ए है। वहाँ पे OMR पे आप क्या भर दोगे, एक भर दोगे, और उसके अंदर जो भी आपका ए के जगह पे होगा उसको क्या कर दोगे, कलर कर दोगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे बुकलेट नंबर आप ए भर दोगे, डन। अब देखो बच्चों जैसे अब हम लोग, अब लास्ट बात आती है, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। बच्चा क्या करता है, देखो बच्चों OMR में बस एक बार फिल कर दिए वही बात मानी जाती है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, अगर फर्स्ट का ए भर दिया, अब बच्चा बहुत ज्यादा चलाकी करके अगर बी भरना चाहेगा ना, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपने बाई दबे, अगर गलती से आपने किसी भी ऑप्शन को चूज कर लिया, तो बच्चों आप उसको इरेज, बहुत सारे बच्चे व्हाइटनर यूज करते हैं जो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। आप अगर OMR में एक बार कोई भी ऑप्शन भर देते हैं, जैसे मान लीजिए आप 46 का क्वेश्चन ऑप्शन डी लगा दिए, फिर आपको समझ में आया कि भैया डी गलत है क्या है, बी सही है, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, इरेज करने की कोशिश करते हैं अलग अलग माध्यम से, लोग बहुत सारे लोग नाखून से भी, तो बिल्कुल बच्चा ऐसा नहीं करना है, ठीक ना, नाखून से भी नहीं करना है, ठीक ना। अगर बी लगा दिए तो उसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक ना। तो अगर बच्चों आपने OMR में अगर एक बार फिल कर दिया ना, तो दोबारा उसको आपको चेंज नहीं करना है, चेंज भी करते हो तो क्या होगा, गलत ही माना जाएगा, ठीक ना, गलत ही माना जाएगा, ठीक ना बच्चों। तो ये कुछ जानकारियाँ रही हमें OMR से रिलेटेड, जो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से भरना है OMR में, किसी प्रकार का व्हाइटनर, किसी प्रकार का बहुत सारे, देखो OMR को इस साइड से देखो, किसी भी भरना होगा ना, इसको अच्छे, इतने अच्छे से भरना कि पास वाले में ना टच हो, और ज़्यादा सर्किल से बाहर भी ना आए, पूरा कलर हो जाना चाहिए, ठीक ना बच्चों, पूरा अच्छे से ऐसे कलर हो जाना चाहिए, समझ रहे हो, और पास वाले में नहीं टच होना चाहिए, ठीक ना। और कभी भी एक क्वेश्चन का दो ऑप्शन आप फिल नहीं कर सकते हो, ठीक ना, कभी इसको इतना नहीं कि पेन इसको इतना मत चला देना कि OMR फट जाए, OMR में अगर छेद हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, शायद OMR भी ना चिपको, ठीक ना। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए कुछ जानकारियां रही, ठीक ना। तो ये सारी बातें आपको फॉलो करनी है जब भी आप OMR भरने हो, ठीक ना बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे अभी तुम आप लोगों के साथ, एक बहुत बड़ी मैराथन होगी मैथ्स की, ठीक ना। चलो तब तक बच्चों आपको एग्जाम के लिए आपको गुड लक, बाय, ठीक ना। आप बने रहिए हमारे साथ एग्जाम से लेकर एडमिशन तक, ठीक ना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।